इस तस्वीर को देखिए जिसमें एक डीएसपी रैंक का अधिकारी अपनी दुल्हन को साइकिल के डंडे में बिठाकर आगे बढ़ रहा है। दुल्हन को लेकर जाएं घूम रहा है, आसपास घना जंगल है और पीछे लोगों की भीड़ भाग रही है। इसे देखकर किसी का भी दिमाग चकरा जाएगा, लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि जो ये शख्स साइकिल चला रहा है ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि पुलिस विभाग का बहुत बड़ा अधिकारी है। नाम है डीएसपी संतोष पटेल। इस दुल्हन के साथ यहाँ क्या हो रहा है आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले डीएसपी संतोष पटेल की आपको पूरी कहानी बताते हैं। डीएसपी संतोष पटेल मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। संतोष पटेल की माँ है जो आज भी खेतों में कुछ इस तरह से काम करती हैं। इतने बड़े अधिकारी की माँ चाहे तो बेटे के पैसों से सब कुछ ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहानी उसके बिल्कुल उलट है और ये माँ हर दिन ऐसे ही खेतों में काम करने के लिए आती है। संतोष पटेल यही मिट्टी के बने घर में पैदा हुए और बचपन भी यहीं पर बीता, लेकिन अब समय और वक्त दोनों बदल चुका है। संतोष पटेल अब डीएसपी बन चुके हैं और उन्हें लोग सैल्यूट करते हैं। डीएसपी संतोष पटेल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इन्हीं खेतों के पास एक नींबू का पुराना पेड़ था। पढ़ाई नहीं करने और शरारत करने पर माँ उन्हें इसी नींबू के पेड़ से बांध देती थी। गांव और घर वालों ने कभी नहीं सोचा था कि संतोष पटेल एक दिन इतना बड़ा अधिकारी बन जाएगा। करीब 1.5 साल पहले दिसंबर 2021 में डीएसपी संतोष पटेल ने शादी की और इसके बाद ये वीडियो तेजी से हर तरफ फैल गया। घूंघट में दुल्हन को इस तरह से लेकर जाते हुए जब डीएसपी साहब दिखे तो पहले किसी को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब लोगों को ये पता चला कि साइकिल चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि डीएसपी हैं, तो लोग हैरान रह गए। तब संतोष कुमार ने ये कहा था कि आज मैं डीएसपी बन गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी परंपराएं भूल जाऊं। हमारे परिवार में ऐसी साधारण तरीके से शादियां होती है, इसलिए मैं आज अलग और स्पेशल तरीके से अपनी शादी करना चाहता हूँ। संतोष कुमार बेहद ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे और गरीबी को बेहद ही करीब से देखा है। 5 साल पहले जब संतोष डीएसपी बने तो पूरे गांव में मिठाई बटी और हर कोई खुश था। संतोष कुमार की 2021 में जब शादी हुई तो लोगों को लगा कि बड़े लोग हैं और अधिकारी भी बहुत बड़े आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस डीएसपी ने बहुत ही साधारण तरीके से घर में ही शादी कर ली और दुल्हन को इस तरह से साइकिल में बिठा कर अपने घर ले गए। मतलब इस साइकिल के डंडे में बैठी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि डीएसपी संतोष पटेल की पत्नी है। संतोष पटेल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिंदगी से हार मानकर मैंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में पुलिस ऑफिसर बनने का ख्याल आया और 2015 में मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की। 3 अगस्त 2015 से मैंने पढ़ना शुरू किया और 1 अक्टूबर 2016 को मेरा डीएसपी के पद पर चयन हो गया। डीएसपी संतोष पटेल बताते हैं कि उन्होंने कभी कोचिंग नहीं की, सिर्फ सिल्फ एसडी के दम पर उन्होंने डीएसपी का पद हासिल किया और सिर्फ 15 महीने की मेहनत से डीएसपी बन गए। कहते जमीन से जुड़ा आदमी ही आम लोगों के दर्द को समझता है, ऐसे ही पुलिस ऑफिसर हैं संतोष पटेल जो हमेशा लोगों की मदद करते हैं। इसके साथ ही अपने कल्चर और अपनी परंपराओं को भी आगे बढ़ाते हैं। करीब 5 साल बाद जब इस वर्दी में संतोष कुमार यहां अपनी मां से खेतों में मिलने पहुंचे तो उनकी मां भी देखकर भावुक हो गई। डीएसपी संतोष कुमार की अब हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन इन्हें लेकर आपका क्या कहना है आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।